गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इन स्टैंडर्ड फोर्थ ENV. इन लास्ट लेक्चर वी ऑलरेडी कम्प्लीटेड चैप्टर नंबर 28. सो नाउ मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट चैप्टर इज 29 पब्लिक प्रॉपर्टी. सो लेट स्टार्ट. लुक एट द पिक्चर्स गिवन अलोंग साइड एंड कंपेयर बोथ. राइट, आपको दो पिक्चर दिए हैं बाजू में. राइट, एक सौरव की फैमिली है और उसके क्लास वो सब पिकनिक में गए हैं. राइट, और एज इट बिकम डार्क दे गैदर देयर बिलोंगिंग्स एंड लेफ्ट. राइट, पिकनिक में गए, वहाँ पे नाश्ता वास्ता सब किया और जब वापस आए तब उसने अपने साथ जो भी चीज़ थी वो ले गए, बट जो गार्बेज था वो वहीं पे उसने छोड़ दिया है. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, आपको डिफरेंट पता चल रहा है? यस ऑफ कोर्स, द सेकेंड पिक्चर हैज़ लिटर ऑल अराउंड. राइट, सेकेंड पिक्चर में जो गार्बेज है, राइट, वो बहुत सब जगह पे फैला हुआ है. सौरव एंड हिज फ्रेंड्स हैव गैदर्ड ऑल देयर थिंग्स बट लेफ्ट द गार्बेज इन द पार्क. राइट, सौरव और उसके फ्रेंड्स ने सब सारी चीज़ ली बट जो गार्बेज था वो उसके पास वो वहीं पे गार्डन पे छोड़ गए. Do you think Saurav would have allowed his friends to do the same in his garden? Right? आपको ऐसा लग रहा है कि सौरव का अगर खुद का गार्डन होता, राइट, तो यही चीज़ करता? ठीक है, ऑफकोर्स वो नहीं करता अगर उसका खुद का गार्डन होता तो. ठीक है, सो नेक्स्ट, रीमा वॉज डिलाइटेड मतलब प्रसन्न होना, वो बहुत खुश हुई थी. At last, she was able to get the famous classic Pinocchio issue from the school library. Right? उसको एक बुक चाहिए थी, राइट, वो तो फाइनली उसको वो बुक उसकी स्कूल की लाइब्रेरी में से मिल गई. She started reading the book, और उसने वो बुक रीड करनी भी स्टार्ट कर दी. But when she came upon page number 54, she realized that the next 5 pages were missing. राइट, जैसे ही उसने बुक स्टार्ट कर दी तो 54 पेजेस भी उसने रीड कर लिए, बट उसके बाद 5 पेज क्या था, मिसिंग थे, मतलब वहाँ पे नहीं थे. सम हैड टर्नड देम, राइट, किसी ने इसको फाड़ दिए थे. शी वॉज एनॉयड, हाउ कुड एनीवन डू दिस, बहुत गुस्से हुई और उसने बोला कि कोई ऐसा क्यों कर सकता है. बुक्स इन द लाइब्रेरी बिलोंग टू ऑल द मेम्बर्स ऑफ द लाइब्रेरी, राइट, और जो लाइब्रेरी की बुक जो होती है, राइट, वो सब लोग वहाँ पे जो मेंबर होते हैं वो यूज़ करते हैं. दे आर नॉट एनी इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी, और वो किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है. दे आर द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड फॉर यूज़ बाय द पब्लिक, तो ये जो बुक है वो सब पब्लिक प्रॉपर्टी है और उसका यूज़ भी पब्लिक करते हैं. राइट, सो ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि ये जो बुक थी उसका आपने कट कर दिया. राइट, सो नेक्स्ट वन इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑन्ड जॉइंटली बाय द होल कम्युनिटी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी? पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स क्या, कि जिसका यूज़ पूरी पब्लिक, राइट, कर सकती है. मोस्ट पब्लिक प्रॉपर्टी इज एक्सेसिबल टू एंड इज फॉर द यूज़ ऑफ द जनरल पब्लिक. बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, राइट, जिसको एक्सेसिबल मतलब उपलब्ध किया है गवर्नमेंट ने सबके लिए, जनरल पब्लिक मतलब कोई भी पब्लिक हो उसका वो यूज़ कर सकते हैं. अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड स्पेस आर जूज, लाइब्रेरीज, पब्लिक बसेस, पार्क, मार्केट, स्ट्रीट लाइट्स एंड रोड. राइट, ये सब उसके एग्जाम्पल है जिसका यूज़ सारे पब्लिक करती है. नाउ द नेक्स्ट वन इज पब्लिक प्रॉपर्टी इज कॉमनली सेड एंड क्रिएटेड फॉर द अस बाय द पब्लिक. राइट, पब्लिक प्रॉपर्टी है वो हमारे लिए शेयर मतलब हमारे लिए वो यूज़ करते हो और हमारे लिए बनाई है. एवरी वन हैज़ द राइट टू एक्सेस द यूज़ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड स्पेस, और सबका पास वो हक है कि वो जो हमें दिए, राइट, वो जो प्रॉपर्टी हमें दिए उसका हम यूज़ करें. However, sometimes limitations are imposed on this uses of space and property to prevent actions that are harmful to the public and the properties, right? But ऐसी property होती है जिसमें limitation लगाया गया था कि आप इसके क्योंकि वो थोड़ी harmful होती है हमारे लिए, तो उस public property में हमें suppose कोई prevent मतलब उसके रास्ता दिखाया गया था कि आप इससे आगे आप जाओगे तो वो हमारे लिए harmful मतलब नुकसानदायक होती है. राइट, नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंड विद रीमा वन डे. आपको नीचे पिक्चर दिया है, देखते हैं क्या लिखा है. व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज पब्लिक प्रॉपर्टी. ये एक पर्सन है, वो बोल रहे हैं आप क्या करो, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है.
Now this, look at here. Ha ha, we are the public, so this is our property, we will bet it. So ये person बोल रहे कि ये हमारी public की property है, तो हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, break भी कर सकते हैं. Now if it is your property, then you should look after it. We will do what we like with us, with it, right? ये जो रीमा है वो उसको बोल रहे, अगर ये आपकी खुद की प्रॉपर्टी होती तो आपके आपको आप उसका ऐसे यूज़ करते, आप उसको हार्म करते. तो ये बोल रहे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हमें जो अच्छा लगे वो हम कर सकते इसके साथ. सो द नेक्स्ट डे व्हेन इट बिकम डार्क, अब उसने जो लाइट थी राइट, स्ट्रीट लाइट की लाइट, उसने वो तोड़ दिए. तो अब नेक्स्ट डे क्या हुआ कि वहाँ पे अब क्या हो गया, डार्क मतलब अंधेरा हो गया. दैट गर्ल वॉज राइट, वी कांट सी एनीथिंग नाउ. द लाइट्स वेयर फॉर आवर यूज, वी वर फुलिश टू हैव नॉट लुक्ड आफ्टर आवर प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट. सो वो नेक्स्ट डे जैसे ही गए तो वहाँ पे उसने वो लाइट तो तोड़ दी थी, तो अब वो ही खुद उसमें गिर गए. और फिर उसको रियलाइज हुआ कि ये जो वो रीमा जो बोल रहे थे वो सही था, कि अगर हम उसको तोड़ राइट हम मतलब तोड़ेंगे तो वो हमें ही प्रॉब्लम होगी. सो द नेक्स्ट डे द टू बॉयज वेंट टू रीमास एंड अपोलोजाइज. अब नेक्स्ट डे उसने क्या बोला, वो दोनों बॉय रीमा के पास गए और उसके पास माफ़ी मांगी. रीमा एक्सप्लेन दैट द स्ट्रीट लाइट आर पब्लिक प्रॉपर्टी, दे नीडेड टू लुक आफ्टर बाय द पब्लिक. बट रीमा आस्क्ड द सुअरब हु पे फॉर दिस थिंग्स, राइट. अब ये रीमा उसको बोल रही है कि ये जो स्ट्रीट लाइट है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है और वो हमारे लिए बनाई है. और फिर सौरभ बीच में बोलता है कि तो इसका पे मतलब इसका रुपीस कौन देते हैं. रीमा स्माइल एंड से आवर पेरेंट्स ऑफ कोर्स, यू सी आवर पेरेंट्स पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट यूजेस दिस टैक्सेस टू गिव अस द दिस फैसिलिटीज. सो व्हेन वी डिस्ट्रॉयड और डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, वी आर एक्चुअली वेस्टिंग द हार्ड अर्न्ड मनी ऑफ आवर पेरेंट्स, राइट. आपको पता है कि कोई कुछ भी आप लो तो अब हमें टैक्स पे करना होते हैं, राइट. तो उसी टैक्स के जो रुपीज़ होते हैं, राइट, वो गवर्नमेंट इसी सारी चीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है. सो तो ये जो सौरभ ने पूछा था, रीमा ने यही बोला कि हमारे जो पेरेंट्स टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तो अगर सपोज आप कोई भी चीज़ तोड़े पब्लिक प्रॉपर्टी की, तो फिर हमारे लिए ही वो नुकसानकारक है, राइट. नाउ आई अंडरस्टैंड, सेड द सौरभ, थैंक यू फॉर मेकिंग अस अवेयर ऑफ सच एन इम्पोर्टेंट इश्यू. और उसने उसका आभार माना, राइट, और बोला कि थैंक यू कि आप इतना इतना इम्पोर्टेंट हमें समझाया. We often see and hear of people destroying and burning buses and training, breaking furnitures at the public places, scratching off monuments, pasting posters on wall and dumping garbage on the road and other common areas, said the Gauro. अब गौरव बोल रहे कि आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि कोई लोग जो डिस्ट्रॉय करते हैं बसेस को, या फिर ट्रेन को जलाते हैं, या फिर फर्नीचर जो पब्लिक प्लेस का होता है उसको तोड़ते हैं, देन पोस्टर लगाते हैं वॉल पे, और जो गार्बेज होते हैं वो कहीं पे भी वो फेंक देते, राइट. तो ही वॉज कंटिन्यू, देर आर सम पीपल हु स्टिल टू थिंग्स आर स्टॉलन फ्रॉम द रेलवे कंपार्टमेंट, बसेस एंड पब्लिक पार्क, राइट. आपने कभी कभी देखा होगा कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी चीज़ होते हैं रेलवे कंपार्टमेंट में या बस में या पब्लिक पार्क में से वो चोर लेते हैं, राइट, चुरा लेते. दिस एक्टिविटीज़ आर रियली अ क्लास टू वरी, और ये सारी चीज़ होती है वो हमारे लिए बहुत ही विचारने के लायक होती है. द डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड इट्स थीफ क्लास ग्रेट लॉस टू द गवर्नमेंट एंड इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक, राइट. अब ये सारी चीज़ अगर वो थीफ होते, वो चुरा जाते, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस होता है और गवर्नमेंट के लिए और हमारे लिए वो बहुत ही इनकन्वीनियंस मतलब परेशानी वाला होता है. वी नीड टू चेक अ डिस्ट्रक्शन और एंड थीफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी दैट बिलोंग्स टू द पब्लिक एंड एट द सौरभ. वी नीड टू चेक द डिस्ट्रक्शन एंड थीफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी, राइट. वो हमें चेक करना चाहिए कि थीफ है और फिर कोई डिस्ट्रक्शन मतलब तोड़ते हैं, राइट, वो सब हमें नहीं करना चाहिए. और ये जो सारी प्रॉपर्टी है वो सब पब्लिक के लिए होती है. रीमा स्माइल एंड सेड एंड द पब्लिक इज अस, और फिर रीमा स्माइल और बोलती है कि नहीं, पब्लिक जो है वो हम हैं. सो दिस प्रॉपर्टी इज आवर्स, वी हैव क्रिएटेड इट, वी यूज इट, एंड हैंस वी मस्ट लुक आफ्टर इट,
राइट. सो वो बोल रहे कि ये जो प्रॉपर्टी सारी है राइट, वो हमारे लिए है और हम ही उसको बनाते हैं और हमें उसको यूज़ करना चाहिए और उसका हमें ध्यान भी रखना चाहिए. सो दिस इज़ आवर लास्ट चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट. ENV का लास्ट चैप्टर है पब्लिक प्रॉपर्टी, चैप्टर 29, राइट. सो आई होप्स यू ऑल आर क्लियर. थैंक यू.